अयोध्या विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। 5 जजों ने विवादित जमीन पर रामलला के हक में निर्णय सुनाया है। इसके साथ ही मुस्लिमों को मस्जिद के लिए 5 एकड़ अलग से जमीन दी जाएगी। इस फैसले से लोग काफी खुश हैं। इस बीच सलमान खान के पिता सलीम खान का भी इस पर रिएक्शन आया है। यकीन मानिए, उनका ये बयान सुनकर उन लोगों को बहुत झटका लगेगा जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हैं। सलीम खान ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अयोध्या में मुस्लिमों को दी जाने वाली 5 एकड़ जमीन पर स्कूल बनाया जाना चाहिए। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से अपील करते हुए कहा कि मोहब्बत जाहिर करिए और माफ करिए, इस मुद्दे को फिर से मत कुरेदिए, यहाँ से आगे बढ़िए। सलीम खान ने आगे कहा कि मुसलमानों को इस मामले पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी बुनियादी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। यह मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुसलमानों को स्कूल और अस्पतालों की ज्यादा जरूरत है। मेरी सलाह यही होगी कि अयोध्या में जो 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए दी गई है, उस पर हम अच्छा कॉलेज और यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। हमें मस्जिद की जरूरत नहीं है, नमाज तो हम कहीं भी पढ़ लेंगे, ट्रेन में, प्लेन में, जमीन पर। तालीम अच्छी मिलेगी तो 22 करोड़ मुसलमानों की बहुत सी कमियां खत्म हो जाएंगी। इसके साथ ही सलीम खान ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मैं पीएम मोदी से सहमत हूँ, हमें शांति की जरूरत है। असल में परेशानी यही है कि तालीम के मामलों में मुसलमान बहुत अच्छे नहीं है, इसलिए मैं कहूंगा कि अयोध्या मामले का द एंड होने के बाद अब एक नई शुरुआत करें। सलीम खान की इस बात से आप कितना सहमत हैं हमें कमेंट में बताइए। टेलीविजन और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।